आपके भाई रणवीर ने टी आर एस क्लिप्स हिंदी की शुरुआत की है क्यों आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए यह इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे स्मार्ट क्लिप्स चैनल टी आर एस क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल ओके टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ये एक और एस्पेक्ट है मतलब मेरे लिए ये पॉडकास्ट ना एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एम पॉडकास्ट है uh, क्योंकि जब मैं बाईस साल का था तब मैंने बहुत अलग अलग इंटर्नशिप्स की थी कॉलेज में एक इंटर्नशिप फैमिली फ्रेंड फैमिली के साथ भी की थी और मेरे फैमिली के कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यार बिजनेस करना है लाइफ में पहले एम करना पड़ेगा ये झूठ होता है पहले तो क्योंकि एम अच्छा कोर्स है अगर आपको कॉपरेट जॉब चाहिए अगर आपको हायर पे पैकेजेस चाहिए बट अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है वो बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आप बिज़नेस के बारे में सीख लोगे तो मेरी क्वेश्चन यही है कि जब आप प्रैक्टिकल एम को के बारे में सिखा रहे हो लोगों को आई फील मेंटल टफनेस मेंटल फिटनेस मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करनी चाहिए आई एम श्योर कि आपकी भी जर्नी हुई है पहले हमेशा आपका गोल हैप्पीनेस ही था पहले से पहले इनिशियली तो पैसा कमाना था मैं आपको सही बात बताता हूँ किस एज तक uh, हमेशा ही मेरे को ये लगता था कि पैसे ही कमाना है खूब पैसा छापना जीवन में खूब गाड़ी खूब अयाशी खूब Uh, बड़ा घर फ़ॉरेन ट्रिप्स मतलब वो ना डेल वेंजेरियन वाली लाइफ <laughs> वो चाहिए थी स्टार्टिंग के एज में अर्ली ट्वेंटीज़ टीन एजर्स में मैं जब थोड़ा बहुत कमा लिया तो समझ में आया कि यार यही चीज़ नहीं होती है इसमें कंप्लीट मज़े नहीं है कुछ सेटिस्फैक्शन है जो लैक कर रहा है सो सेटिस्फैक्शन इज नॉट दी ओनली सेटिस्फैक्शन तब फिर मैं दूसरी चीज़ को हंट करने लग गया कि किस चीज़ से मुझे अच्छा लगेगा सो आई एक्सप्लोर के शायद मुझे यू uh, नो you know, uh, जैसे हम लोग ऑर्फनस को एम्प्लॉयमेंट देते हैं उससे मुझे मिलेगा शायद आ, मुझे देश के लिए कुछ करने से अच्छा फील होगा ना मैं घर वालों को कैसे इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करूँगा मैं हर जगह वहाँ से मुझे आ, अच्छा फील होगा तो वो आपका आंसर है अभी हाँ जी कि इम्पैक्ट से आपको खुशी मिल बिल्कुल रही बिल्कुल इम्पैक्ट से खुशी मिलती है मे बी मेरे लिए वो आंसर है शायद मे बी दैट्स वॉर मिसिंग ट्रू जो आपने कहा कि एक पॉइंट था जहाँ पहले आपको लगा कि पैसे ही सब कुछ होता है फिर पैसों को कमाने के बाद आपका वो स्विच हो गया पर वो स्विच होने के जस्ट पहले आप अपने माइंडसेट में जाकर तभी के माइंडसेट में जाकर ये बता सकते हैं कि पैसों की फीलिंग क्या होती है जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो आपके दिमाग में बदलता क्या है जब बहुत सारे पैसे आपके पास में जब पहला पैसा आता है मैं आपको बताता हूँ ना तो आ... हम लोग को कैसा लगता था जब हमारे पास पैसा, पहला पैसा है ना तो हम लोग लाइबिलिटीज इतनी सारी थी टचवुड के हमारे पास लाइबिलिटीज थी नहीं तो हम बह जाते कहीं पे हमारे पास लाइबिलिटीज थी कि हमारे पास बोर्ड नहीं था लगाने के लिए तो दो तीन महीने तक डेढ़ दो महीने तक हमारे पास बोर्ड नहीं था तो हमारी लाइबलिटीज थी हमको बोर्ड लगाना है तो हमने पहला पैसा आया तो बोर्ड लगाया हम लोग फिर बोर्ड का कमाल होता है डिसिप्लिन रखता है नहीं तो अगर आपके पैसा आता है आपको बिगाड़ देता फिर आपको चाहिए रहता है ऑफिस अच्छा ऑफिस चाहिए रहता है फिर आपको आई आई टी एन से आई एम बी एस चाहिए रहते हैं दिखाने के लिए मे बी आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए रहती है आप शो ऑफ में चले आप थोड़ा बिखर जाते हो तो जब पहला पैसा आता है ना तो आपको कैश बर्न से बचाता है अगर आपके पास लाइबिलिटी ये बूट स्ट्राइप का कमाल है और अगर आपका पहला पैसा आया और आपने उसको बर्बाद कर दिया आप ग्रो नहीं कर पाओगे आपको फंडिंग लगेगी तभी तभी आपको फंडिंग लगेगी तो पहला पैसे की ना जो फीलिंग रहती है ना बहुत ग्रैंड होती है बहुत ग्रैंड होती है आप उसको चाहे चाहे जला दो चाहे उसको यूटिलाइज कर लो जो फीलिंग होती है ना वो ऐसा रहता है ना कि आप मूवीज़ में देखते हो ना ये पहला पैसा मैं अपनी माँ के लिए कुछ खरीदूंगा या अपने पापा के लिए कुछ लेके जाऊंगा वो फीलिंग होती है वो आप आप ज़रूर आपको नहीं लगेगा कि आप अभी ख़रीद पाओगे वो पैसे से लेकिन यही पैसा आगे चल के जब पैसा बना तब आप अपने माँ बाप को वो दे पाओगे जो आपने सोचा था कि अपनी कमाई से अपने माँ बाप को देंगे आई फील कि ये जो इंपॉर्टेंस गिवन टू मनी है पैसों की इंपॉर्टेंस एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है आपके दिमाग में एंड जैसे जैसे आप बेसिक करियर में आगे चलते जाते हो आपकी वो पैसों की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और अलग अलग फैक्टर्स से रिप्लेस हो जाते हैं शायद फैमिली टाइम या फैमिली के लिए प्यार या रिलेशनशिप के लिए प्यार <laughs> या जो भी स्परिचुअलिटी uh, अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं पर को किसी को इन चीज़ों को एक कॉलेज स्टूडेंट को सिखाना चाहिए देश भर के कॉलेज स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए क्योंकि कॉलेज में आपका बहुत अलग अलग नज़रिया रहता है करियर्स को लेके पैसों को लेके कॉलेज में ना अक्सर हमें ये कहा जाता है कि यार दुनिया भर में स्पेशली इंडिया में बहुत सारे शार्कस है दुनिया आपको खा जाएगी आ, दो सवाल है आपके लिए पहला आ, उस पैसों के इम्पोर्टेंस के स्पेस को किन किन चीज़ों ने रिप्लेस किया और दूसरा सवाल वो शार्ख्स के बारे में भी बता दीजिए ये एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट को ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव्स मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में कॉलेज uh, नहीं बल्कि स्कूल टाइम से मिलना बहुत जरूरी है हम लोग के यहाँ पे ना एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंस हमेशा ना उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स ही रहते थे वो काउंट नहीं होता था hmm. कभी भी उस चीज़ का hmm. उसको मैंडेटरी बना देना चाहिए पहली चीज़ तो और उसको और इन डेप्थ सिखाना चाहिए ऑनटरप्रीनियरशिप एज अ सब्जेक्ट लेके आना चाहिए उसके बारे में सिखाना चाहिए पर्सनल फिनेंस बहुत जरूरी है पैसा बहुत जरूरी लाइफ में कमाना आपको

कन्फ्यूज नहीं हो के ग्रो होना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ है या फिर पैसे ही छाप लिए तो आपका काम हो गया नहीं उसको यूज़ भी तो करना है कैसे यूज़ करोगे हमारे कहावत है कुबेर का धन भी रख रखे खत्म हो जाता है तो आपके पास बहुत पैसा भी ना तो आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैश ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन द फंड यू हैव आपको ये चीज़ सिखाना चाहिए पैसा बिल्कुल पेट्रोल की तरह होता है बेसिकली उसे रीयूज करना चाहिए एनर्जी के एक मतलब लोग पैसों को पैसे की तरह देखते हैं पैसों को एनर्जी की तरह देखना चाहिए कि अगर आपके पास है तो इसको और ज़्यादा बढ़ा कैसे सकते हो आप एंड डैट्स हाउ यू कन कंटिन्यूसली इंक्रीज योर मनी पर दूसरा सवाल ये जो शार्कस की बातें करी हमने अभी कि शार्क्स होते हैं आई एम श्योर कि आपके सात साल के करियर में आपने भी काफ़ी सारे शार्क से आपकी मुलाकात हुई होगी आई एम sure श्योर कि लोग आपके पास आके आ, आ, पहले तो मे बी इनिशियली आपको डाउट करते थे आ, नीचे खींचने की कोशिश करते थे इवेंचुअली कुछ ऐसे भी शार्ख्स शायद आए होंगे जिन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी थी एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक यू मस्ट बी थैंकफुल टू योर सब की थैंक गॉड की नहीं लिया आई एम शोर की ऐसे सिचुएशंस हुए होंगे आपके लाइफ मेरे मेरे लाइफ में काफ़ी सारे सिचुएशन हुए जहाँ लोगों ने मेरी uh, क्या बोलते हैं बेसिकली देव ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मी देव ट्राई टू टेक एडवाटेज ऑफ माई इनोसेंस एज अंग ऑन्टरप्रिनर तो यंग ऑन्टरप्रीनोर के क्या मैसेज है शार्क्स के बारे में क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने साइकोलॉजी की बात करी पीपल्स स्किल्स की बात करी ये भी एक स्किल होती है कि खुद बच कैसे सकते हैं क्योंकि दुनिया में शार्कस होते हैं बिल्कुल होता है मैं आपको पहले ही ले कर दे ऑन्टरप्रिनरशिप इज नॉट अ फेरी टेल क्या आपको लग रहा है परियों की कहानी है बहुत अच्छा अच्छा होता है ऐसा कुछ भी होता है मैं तो ऑफलाइन बिजनेस में तो मुझे पता है कि रोड पे जब हमारी दुकान पे लोग कैसे कैसे आते हैं आपके एक गुंडा भी आएगा जो बोलेगा चाय मेरे से पैसे लेगा सो कॉल्ड पॉलिटिशियन भी आएंगे वहाँ पर जो लोकल पॉलिटिशियंस रहते हैं Uh, बहुत सारे भीड़ लग जाती है तो पुलिस का डंडा भी चलता है प्रॉब्लम वी आर दी यंगेस्ट कंपनी इंडिया जिसके पास में पाँच साल के छः साल के अंदर में दो बार छापे पड़ गए क्या आप क्या मिला के देते हो सो एन नंबर ऑफ थिंग्स आएगी तो एक ऑन्टेपेनो को ना शार्क मैं आप बोलूँगा आपको एक पानी जैसा होना चाहिए किसी भी ढांचे पर आप ढल जाओ शाक डर डरना किस बात का अगर आप काम अच्छा कर रहे हो आपको पता है इस चीज़ से लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है चीज़ अच्छी चीज़ करो डरो बात है किसी डर ही नहीं लगेगा डरिए मत अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं किस बात का डर आप लगे रहो आप प्लानिंग करो एग्जीक्यूट करो उस प्लानिंग को और लगे रहो काम में अच्छी टीम बनाओ और लोगों को साथ में जोड़ो लोगों को एजुकेट करो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोग आपके साथ जुड़ेंगे कस्टमर बेस बढ़ाओ शाख से कोई फर्क नहीं पड़ता आएंगी आ, आज छोटी शाख आएगी कल बड़ी शाख आएगी आज पिराना है कल तो असली में शाख आएगी hmm. जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे शाख का लेवल बड़ा होता जाता है लोग बड़े बड़े आने लग जाते हैं गिद्ध आने लग जाते हैं फिर hmm. आपको तो आपको सबको मिला के चलना है बेसिकली आप ये कह रहे हो कि डिफेंडिंग पर फोकस करने से ज्यादा आपको खुद की अग्रेशन uh, और खुद के अटैकिंग पर फोकस करना बिल्कुल आपको अटैकिंग होना चाहिए आपको, होना आपको दोनों चीज होनी चाहिए कई गलत डिसम होना है कहाँ पे गर्म होना है आपको अगर ऑनटेपेन हो तो आपको न्यूट्रल होकर सा नरम होकर ज्यादा चलना है लेकिन जहाँ पे नरम होके बात नहीं चली आपकी लक्ष्मी में जहाँ पे बात आई तो लड़ जाओ सामने वाले से देखा जाएगा जो होगा लड़ने के बारे में बताओ कंफ्रंटेशन लीगल बैटल्स इन सब चीज़ों के बारे में बताओ ये भी बहुत एक अगर अगर प्रैक्टिकल एम की बात कर रहे हैं तो ये भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए कोर्ट कचहरी की मैं आपको बात करूं तो रणवीर भाई आ, बहुत सिर्फ सिर्फ लीगल बैटल्स नहीं मैं ये यही सब... सारी चीज बता रहा हूं मैं हुँ. आपको बहुत सारी बैटलिंग आती है ना आपको इमोशनल बैटल भी करना हुँ. पड़ता है आपको आ, आपको कंपटीशन भी एक बैटल ही आपके लिए आपको हर जगह पे प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी कोई भाई आ गया एक मसल पावर आ गया आपके सामने तो उसको कैसे हैंडल करना है पहली बात तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये बेकार है वो भी दस रुपये लेकर आ रहा चाय के लिए मैं अपनी बात बताऊँ तो वो भी मेरे लिए लक्ष्मी है तो उसको हैंडल करना है कि भाई उससे मैं प्यार से कैसे स्माइल करके उसको काम डाउन कर दूँ उससे दस रुपये भी ले लूँ उसको यहाँ पर बिना कुछ आन के उसको जाने भी दूँ तो आपको हर एक uh, जगह पे अपना रुख बदलते हुए काम करना ये ऑनटरप्रेनरशिप की डेफिनेशन ही होती है ना बार बार चेंज करते रहना लोगों के हिसाब से ऐड करते रहना मार्केट के हिसाब से ऐड करते रहना यही तो ऑनटरप्रेनरशिप होती है हर जगह पे आपको ऑनटरप्रेनरशिप स्किल दिखानी पड़ेगी